उज्जैन की। जी हां, आपको बता दें बंसल न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। चाइना डोर से युवती की मौत का यह मामला अब प्रशासन के संज्ञान में आ चुका है। चाइना डोर बेचने वालों पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। बंसल न्यूज पर एसपी सत्येंद्र शुक्ला ने कार्रवाई का वादा किया था और कहा था कि दूसरों के लिए मिसाल रहेगा, ऐसी कार्रवाई करूंगा, और वही हुआ। चाइना डोर बेचने वालों का जो अवैध अतिक्रमण है वो तोड़ दिया गया है। चुलबुल पतंग सेंटर पर भी कार्रवाई की गई है। चाइना डोर बेचने वालों की जो दुकानें हैं उनकी लिस्ट तैयार की गई है, दुकानदारों की लिस्ट तैयार की गई है। तो बेशक एसपी सत्येंद्र शुक्ला ने बंसल न्यूज पर कहा था कि ऐसी कार्रवाई को अंजाम दूंगा जो दूसरों के लिए मिसाल होगी, और वाकई बाकी जिलों के लिए, बाकी शहरों के लिए भी पुलिस प्रशासन के लिए संदेश देती ये कार्रवाई एक मिसाल की तरह है। आपको बता दें कि कल बंसल न्यूज पर उज्जैन से एसपी सत्येंद्र शुक्ला ने इस बात का भरोसा दिया था कि ये जो भी घटना घटित हुई है उसके जो भी जिम्मेदार हैं उसे छोड़ा नहीं जाएगा और कार्रवाई ऐसी की जाएगी जो मिसाल कायम करेगी, और वही हुआ। हम देख सकते हैं कि बंसल न्यूज पर एसपी सत्येंद्र शुक्ला ने जो कहा वो कर दिखाया। चाइना डोर बेचने वालों का अवैध अतिक्रमण तोड़ा गया है। चुलबुल पतंग सेंटर पर कार्रवाई की गई है। चाइना डोर बेचने वाले दुकानदारों की लिस्ट तैयार की गई है। सत्येंद्र साहब, सिर्फ माफ कीजिएगा, मेरा आरोप आपके डिपार्टमेंट या आप पर नहीं है, मैं इसे समाज की भी बहुत बड़ी गलती मानता हूं। एक तरफ हम जोर शोर से चिल्लाते हैं, नारे लगाते हैं कि देसी सामान को आगे बढ़ाओ, विदेशी का बहिष्कार करो, खासकर जब चाइना का जिक्र होता है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग दो पैसे कमाने के लिए इस तरह के काम करते हैं, इस तरह का व्यापार करते हैं कि किसी की जान तक चली जाती है। क्या भविष्य में आप इस चीज़ की ज़रूरत महसूस करते हैं सत्येंद्र जी, कोई बड़ा अभियान चलाया जाए, एक एक शख्स तक पहुंचा जाए, उसे बड़े प्यार से बैठाकर ये समझाया जाए कि दो पैसे से ज़्यादा किसी की ज़िंदगी अहम है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है और इससे बिल्कुल मैं सहमत हूँ, और आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगले एक दो दिन के अंदर आप ऐसी एग्जेम्पलरी कार्रवाई देखेंगे कि जिससे उज्जैन में तो कम से कम आगे इस तरह की कोई चाइना डोर बेचने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अगले दो दिन के अंदर ये कार्रवाई आपको दिखेगी। तो ये तो आप सुन रहे थे एसपी सत्येंद्र शुक्ला को, जिन्होंने कल बंसल न्यूज से बात की थी और आज कार्रवाई को अंजाम दिया है, और इस वक्त भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला। आइए उनसे हम बात करते हैं। सत्येंद्र जी, सल्यूट करते हैं हम आपको आपकी कार्रवाई के लिए। अब आगे के लिए क्या कुछ तैयारी है आपकी? निश्चित तौर पे जैसा ये दुखद घटनाक्रम कल हुआ था और इसको लेकर जिला प्रशासन में के कलेक्टर श्री आशीष सिंह और नगर निगम कमिश्नर, इनसे चर्चा की गई थी और ये परीक्षण किया गया था कि इस तरह के लोगों को एक संदेश देने के लिए जो उनके अवैध निर्माण है उनको ध्वस्त करना ही एक विषय, एक हल हो सकता है, और उसी अनुक्रम में ये आज कार्रवाइयां की गई हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि चाइना जी डोर से जो एक लगातार ये घटनाएं होती रहती हैं, एक सामान्य जन इससे काफी व्यथित हुआ कल का जो घटनाक्रम था, और एक संदेश ये देना आवश्यक था कि इसको बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी, और उसी अनुक्रम में ये कार्रवाई की गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इन सब लोगों का ये संदेश स्पष्ट हो गया होगा कि जो भी चाइना डोर बेचेगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का कोई व्यक्ति अब कोई हिम्मत नहीं करेगा चाइना डोर बेचने, बेशक नहीं करेगा। लेकिन सत्येंद्र जी, आपसे सवाल तो ये भी बनता है, क्या आप लोगों ने जिस तरह से दुकानदारों की लिस्ट बनाई है, क्या किसी ऐसी फैक्ट्री की लिस्ट बनाई है, या ये पहुंचाने वाले कौन हैं, इनका क्रय विक्रय कैसे हो रहा है, इन तमाम बातों को देखते हुए क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है महकमे की तरफ से? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो ये तीन लोग चिन्हित हुए हैं ये वो यहाँ के थोक व्यापारी हैं जो बड़े स्तर पर ऐसा इसका काम कर रहे थे, उन्हीं को हमने चिन्हित करके ये कार्रवाइयां की हैं। जहां तक फैक्ट्री का प्रश्न है, उज्जैन जिले में इस तरह की अभी किसी तरह की फैक्ट्री की जानकारी सामने नहीं आई है। अगर वो फैक्ट्री होती, जैसा आप जानते हैं कि ये चाइना डोर है, चाइना डोर बेसिकली चाइना से आती है और ये किसी मेट्रो से ही इम्पोर्ट करके लेकर आते हैं, और अगर कोई इस तरह का भी अगर सामने आता है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जी सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज को वक्त देने के लिए। तो अभी हम सुन रहे थे पुलिस अधीक्षक उज्जैन सत्येंद्र शुक्ल को, और जिन्होंने अपना वादा पूरा किया और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि मिसाल कायम होगी जब ऐसी कार्रवाई होगी, और वाकई में वो कार्रवाई हमने देखी। और चाइना डोर बेचने वालों का अवैध अतिक्रमण जो है तोड़ा गया है, चुलबुल पतंग सेंटर पर कार्रवाई की गई है और चाइना डोर बेचने वाले दुकानदारों की लिस्ट तैयार की है। तो आपको बता रहे हैं बेहद ही खास ये